मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में विद्या विश्वविद्यालय मेरठ व केडी विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति पर सहमति जता दी गई है। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद की मंजूरी दी गई है। प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थानों को PPP बोर्ड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिल्ड ऑन एन ऑपरेट फेस पर सोलर पार्क विकसित किए जाने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा औद्योगिक निवेश नीति के संसाधनों को मंजूरी मिल गई है। बैठक में इन प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिल्ड ऑन एन ऑपरेट फेस पर सोलर पार्क विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024 बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। आगरा में नक्षत्रशाला, साइंस सिटी और विज्ञान पार्क की स्थापना की मंजूरी। उत्तर प्रदेश महाअधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली 2009 में पंचम संशोधन के लिए मंजूरी। आबकारी नीति 2024-25 में कतिपय संशोधन की मंजूरी। यूपी 112 में पुराने वाहन की जगह 380 नए वाहनों की खरीद की मंजूरी। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद कर्मचारी सेवा नियमावली 2024 की मंजूरी।